बिहार पृथ्वी दिवस अवसर पर श्री श्री 108 मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति भागलपुर के द्वारा अंग प्रदेश के धरती पर लगभग दर्जनों स्थानों पर विषहरी पूजा समिति के स्थानीय समिति भगत के साथ विषहरी स्थान में औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन पूजा समिति के उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार ने किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष भोला कुमार मंडल, महासचिव शशि शंकर राय, संरक्षक शरद कुमार वाजपेयी, संरक्षण सह मुखिया श्री छांगुड़ी शर्मा, संगठन प्रभारी वकील कुमार पंडित के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जीरो माइल महादलीय टोला, जीरो माइल विषहरी स्थान, ब्रिजमोहन ठाकुर बरारी, फेरी रोड बरारी, घाट रोड बरारी, मायागंज, रिफ्यूजी कॉलोनी, बंसी टीकर, लोदीपुर सहित ग्रीन सिटी कॉलोनी, सबर रोड में तुलसी, अशोक, गिलोय, कदम, नीम, महोगनी, गिलोय सहित कई तरह के वृक्ष लगाए जो औषधियों से भरपूर है। केंद्रीय पूजा समिति इस कोरोना काल में प्रदेश एवं भागलपुर गांव हवा एवं पर्यावरण शुद्ध रहे, यहां तक कि धरती हरी भरी रहे। मां मनसा विषहरी से सभी भक्तजन कामना करती है कि इस वैश्विक महामारी विषहरी पूजा केंद्रीय समिति के पदाधिकारी ने सभी स्थानों पर इस बार प्रतिमा नहीं बैठाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकारी गाइडलाइन में पूजा करने का आग्रह किया। इस बार औपचारिक रूप से शादी विवाह, डलिया चढ़ावा एवं अन्य कार्यक्रम होंगे, जुलूस एवं प्रतिमा नहीं बैठेगी। कोरोना को पृथ्वी दिवस हराने में मील का पत्थर साबित होगा। इस विषहरी पूजा के कार्यकाल में वृक्षारोपण में मंजूषा कलाकारों ने अहम योगदान दिया। मास्क पर भी जल जीवन हरियाली का संदेश देकर अब की संस्कृति को बचाने का कार्य किया गया। जो वृक्षारोपण मंजूषा कलाकार वकील कुमार पंडित के अलावे कलाकार थे, जिसमें बादल कुमार, आयुष कुमार, अनीता कुमारी, माधुरी कुमारी, कविता कुमारी, स्वीटी कुमारी, गुलशन कुमार के साथ साथ जीरो माइल महादलीय टोला में सत्य प्रकाश झा, प्रोफेसर भोला कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा हैप्पी आनंद भारद्वाज विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपस्थित थे। इस सख्त निर्देश का पालन करने को कहा गया। प्रदीप कुमार उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी विषहरी पूजा समिति भागलपुर। आज श्री श्री 108 मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा बिहार पर्यावरण दिवस के अवसर पर और आज का दिन ऐसा शुभ संयोग है कि आज राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी है, अगस्त क्रांति दिवस, अंग प्रदेश के प्रमुख विषहरी स्थानों पर औषधीय पौधे का वृक्ष को लगाया गया। इसका संदेश है कि जल जीवन हरियाली, जल है जीवन है, तभी हरियाली आएगी और समाज में खुशहाली आएगी। वृक्ष लगाना है, पर्यावरण को बचाना है, यह संदेश को लेते हुए विषहरी पूजा केंद्रीय समिति आज लगभग 15 से 20 विषहरी पूजा के स्थानों पर, विषहरी स्थानों पर माँ मनसा माँ विषहरी अंग क्षेत्र में इस कोरोना रूपी संकट से निजात दिलावे और पर्यावरण को हरा भरा रखे, लोगों का जीवन सुखदायी हो, सुख समृद्धि से भरा पूरा हो, इस संदेश के साथ बिहार जल जीवन हरियाली को लेकर के बिहार सरकार के नक्शे कदम पर, बिहार सरकार के आदेश पर हम लोग ये कार्यक्रम को मना रहे हैं। और यह वृक्षारोपण कार्यक्रम सचमुच में पृथ्वी में जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, उस दूषित पर्यावरण दूषण को दूर करने का काम करेगा। और यह वृक्षारोपण अपनी और ग्रीन बिहार के निर्माण में, ग्रीन अंग प्रदेश के निर्माण में एक मील का पत्थर था। ग्रीन बिहार के को आगे बढ़ाने के लिए आज इतना सुखद संयोग है। ग्रीन सिटी कॉलोनी जो सबौर प्रखंड के अंतर्गत इस सरदो पंचायत में आता है, ग्रीन सिटी कॉलोनी में सभी तरह का ग्रीननेस हो, हरा भरा रहे और इस पृथ्वी दिवस के मौके पर ग्रीन सिटी में महोगनी, अशोक का पेड़ और कदम का पेड़ को लगाने का काम किया है। और कुछ जगह मैंने नीम का भी पेड़ लगाया है, सर गिलोय का पेड़ लगाया है कि लोग औषधीय पौधे का उपयोग कर सके और अपने जीवन में कोरोना रूपी जीवन में जो काढ़े का काम कर रहे हैं, या नीम और गिलोय और ये अशोक का पौधा, कदम का पौधा सचमुच में औषधीय है,
यह औषधि के रूप में काम करेगा। माँ विषहरी, माँ ममता सबों को सद्बुद्धि दे और यहाँ कोरोना रूपी संकट से निजात दे। इस कामना के साथ कि पर्यावरण हरा भरा रहे, यहाँ का वातावरण दूषित ना हो, अंग प्रदेश हमारा खिले, भरपूर हरियाली रहे, इस कामना के साथ आज वृक्षारोपण किए हैं। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर केंद्रीय विषहरी पूजा समिति के पदाधिकारीगण हमारे दरवाजे पर सभी लोग आए हैं और वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किए हैं। और यहाँ जो अभी उपस्थित हुए हैं संरक्षक के रूप में शरद वाजपेयी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सह मीडिया प्रभारी, और शशि शंकर राय महासचिव, और संरक्षक के रूप में छमुड़ी मुखिया जी लोदीपुर के, और यहाँ पर घर के सदस्य बादल कुमार, हेमकांत झा और हमारे बड़े भाई अनिल भैया जी हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत आज खुशी का दिन है, पृथ्वी दिवस के अवसर पर केंद्रीय पूजा समिति के लोग हमारे निवास स्थान पे आके वृक्षारोपण का कार्य किए हैं। इससे कोरोना जो अभी महामारी है इस पे भी असर करेगा, इसको भी वृक्ष जो रोपण का आज कार्यक्रम चल रहा है इससे भी यह हम लोगों को के यहाँ से यह भागेगा और विश्व में इसका पतन होगा। भोला कुमार मंडल, केंद्रीय विषहरी पूजा समिति अध्यक्ष। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.